हेलो कार लवर, आज मैं आपके लेके आऊँ टाटा हेरियर। आज हम बात करने वाले हैं टाटा हेरियर 2021 मॉडल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं टाटा हेरियर कैसी रहती है, और इसके बाद में वीडियो में लेंगे ऑनरशिप रिव्यू भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रंट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेरियर एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिल जाएगा, जो कि क्रोम की फिनिश के साथ में आता है। साथ ही में यहाँ पे मिलता है टाटा का लोगो, और यहाँ पे मिल जाता है इसका हेडलाइट का खूबसूरत सा यूनिट, जो कि एक प्रोजेक्टर आता है, एक नॉर्मल साइड में आता है। यहाँ पे मिल जाता है DRL प्लस इंडिकेटर। अब थोड़ी नीचे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिल जाता है फॉग लैंप जो कि हेलोजन रहता है। इसमें मिल जाता है रेडिएटर ग्रिल, साथ ही में सिल्वर फिनिश के साथ में क्रोम गार्निश के साथ में मिल जाती है यहाँ पे स्कर्ट प्लेट। चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा हेरियर के इंजन की। ये रहा टाटा हेरियर का इंजन जो कि डार्क एडिशन में है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन टाइप की। तो इसमें हमें मिल जाता है 1956 सीसी का इंजन, जो कि 166 BHP की पावर जनरेट करता है 3750 RPM पर। साथ ही में 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 प्लस 2500 RPM पे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके आउटर लुक की, कैसा दिखता है इंजन। देख लीजिए आप, नॉर्मल इंजन टाइप ही है। यहाँ पे क्रेटेक 110 लिखा हुआ है इंजन के ऊपर में। चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा हेरियर डार्क एडिशन के साइड लुक की। फ्रंट साइड में आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, इसका सेंसर अलग लगा हुआ है यहाँ पे। अब बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो इसमें हमें 235/65R 17 इंची टायर मिल जाते हैं, जो कि अलॉय व्हील के साथ में आते हैं। साथ ही में यहाँ पे हमें डार्क एडिशन के हैशटैग डार्क का बेजिंग मिल जाता है। यहाँ पे ORV हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि LED है। ये रहे इसकी साइड प्रोफाइल। यहाँ पे हमें 50 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है। जैसे आप पीछे साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको हेरियर की बेजिंग देखने को मिलेगी, जो कि ब्लैक कलर में है। अब जैसे आप पीछे में आएंगे तो यहाँ पे मिल जाती है इसकी लाइट यूनिट, जो कि ये इंडिकेटर बल्ब हेलोजन है, ना कि LED। यहाँ पे मिल जाती है खूबसूरत डिज़ाइन की टेल लैम्प, साथ ही में ब्रेक लाइट के साथ भी काम करती है। यहाँ पे मिल जाता है हमें रिवर्स लाइट का ऑप्शन। अब जैसे ही बात करें इसके बैक साइड की, ये रहा टाटा हेरियर का बैक साइड। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कोई भी साफ फिन एंटीना नहीं मिलता हमें। यहाँ पे मिल जाता है हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प। इसी बात करेंगे तो यहाँ मिलता है वाइपर, साथ ही में हीटर्स के ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। यहाँ पे लोकल फॉर वोकल की बैजिंग दी गई है, जो कि टाटा और महिंद्रा आजकल बहुत ज़्यादा अपनी कारों में दे रहे हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं हमें बैजिंग, जो कि टाटा अक्सर अपनी गाड़ियों में अलग अलग एडिशन में अलग अलग प्रकार से देता है। अब जैसे ही नीचे में आते हैं, टाटा के लोगों के साथ में मिल जाता है हमें कैमरा, जो कि वाइड एंगल तो नहीं देता बट रिवर्स के समय में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे मिल जाती है हेरियर की बैजिंग, जो कि ब्लैक कलर में दी हुई है, और उसी के साथ में यहाँ पे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। यहाँ पे मिल जाता है रिफ्लेक्टर और ये पीछे की साइड स्क्रीन। अब जैसे ही अगर स्टेपनी की बात करें तो हमें नीचे स्टेपनी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा लुक इन्हेंस करने के लिए दिया गया है, ये मड फ्लैप वगैरह दिए। बैक साइड में अपन बात कर ही रहे हैं तो अपन इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्विच दिया गया है, जिससे कि आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाता है हमें 425 लीटर का बूट स्पेस, साथ ही में यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह भी दी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। इंटीरियर की बात करने से पहले आपको दिखा दूँ, यहाँ पे दी गई इसकी टूल किट, जो कि स्पेयर व्हील नीचे में है। और यहाँ पे मिल जाता है हमें एक छोटा सा लाइट, जो कि रात के समय में काफ़ी अच्छे तक हेल्पफुल होता है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। ये रही टाटा हेरियर की। यहाँ पे लॉक अनलॉक, साथ ही में डिग्गी ओपन का ऑप्शन दिया गया, और यहाँ पे फॉलो में हेडलैम्प का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे मिल जाती है हमें कीलेस एंट्री। अब जैसे इसे ऑपरेट करेंगे, डोर ऑटोमेटिक लॉक होके इसको ऑपरेट करते के साथ ही में अनलॉक हो जाएगा। अब जैसे ही बात करें अपन यहाँ पे इंटीरियर की, यहाँ पे मिल जाता है हमें हरमन का साउंड सिस्टम। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और इसका स्पीडोमीटर देख लेते हैं किस टाइप से आता है। यहाँ पे मिल जाती है हमें कीलेस एंट्री, यहाँ पे स्टार्ट ऑन ऑफ की स्विच मिल जाती है। ये रहा इसका स्पीडोमीटर, जो कि आपने देखा होगा। जैसे ही आप बात करेंगे, यहाँ पे हरमन साउंड सिस्टम मिल जाता है, उसी के साथ में यहाँ पे हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे AC वेंट्स, और ये पियानो फिनिश में मिलता है हमें। अब उसके थोड़े ही नीचे में यहाँ पे हमें AC के फुल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है टच के साथ साथ में बटन्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जो कि डिस्प्ले को कनेक्ट। उसी के साथ में हमें मिल जाता है 6 स्पीड का गियर बॉक्स, जो कि मैनुअली है।
और ये जैसा रेनॉल्ट में था आजकल वैसे ही टाटा भी ये कर रही है, यहाँ पे लगाने के बाद ही आप रिवर्स लगा सकते हैं। यहाँ पे मिल जाता है हमें वायरलेस चार्जर के ऑप्शंस, यहाँ पे मिलता है एक USB साथ ही में ऑक्स का, और ये एक कैबिन बहुत अच्छा है, एकदम पायलट जैसा पायलट टाइप में डिज़ाइन होता है। यहाँ पे मिल जाता है हैंड ब्रेक जैसा पायलट वगैरह यूज़ होता है अक्सर, उसी टाइप में आई थी ये कार उस समय भी। अब बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग की, तो यहाँ पे हमें एडजस्टिंग मिल जाती है, ये आपको पॉसिबल हो तो दिखा पाऊँ मैं, ये रहा इसका स्टेयरिंग कंट्रोल वगैरह कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं हमें कंट्रोल्स, साथ ही में इधर साइड में मिल जाते हैं लेफ्ट और राइट मिरर कंट्रोल, यहाँ पे मिल जाता है हमें विंडो के कंट्रोल, विंडो अप एंड डाउन का, और एक ये पूरे पायलट डिज़ाइन में दी गई है कार। जैसे इधर साइड में एज यूजल नॉर्मल रहता है यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए विंडो वगैरह के लिए। अब जैसे ही आप इसका ग्लव बॉक्स चेक करेंगे तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह लैपटॉप वगैरह रखने के बहुत ज़्यादा काम आता है। इस कार में हमें दोनों तरफ ही वैनिटी मिरर नहीं मिलते हैं, ना ही टिकट होल्डर मिलता है। चलिए अब ये तो बात हुई इसके फ्रंट साइड की, अब जो मेन आता है, चलिए अब जो मेन आता है इसका सनरूफ, काफ़ी बड़ी रूप है, आपको खोल के दिखाते हैं। चल जाते हैं मैं सनरूफ के कंट्रोल, आप जैसे इसको प्रेस करेंगे जैसे आप सेकंड प्रेस करेंगे मिल जाती काफी बड़ी रूफ, यहाँ से आप उठ के बाहर भी निकल सकते हैं, यहाँ पे डस्ट वगैरह के लिए नेट वगैरह मिल जाता है। बंद कर देते हैं, यहाँ पे मिल जाता है हमें ग्रैब हैंडल, साथ ही में उधर हमें आपको पीछे साइड जाएंगे तभी बताएंगे। सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे हैंडब्रेक जैसा आपको बताया था पायलट डिज़ाइन में, उसी के साथ में यहाँ पे मिल जाता है हमें कप होल्डर्स, और साथ ही में आर्मरेस्ट में हमें स्टोरेज के ऑप्शन भी दिए जाते हैं जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, साथ ही में 12 वोल्ट का हमें चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, और उसी के साथ साथ में यहाँ पे हमें 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं जो कि 5 वोल्ट 2.4 के हैं। चलिए ये तो बात हुई इसके फ्रंट साइड की, अब बात कर लेते हैं इसके रियर साइड की। सो भाई क्या ही जगह है, अब जैसे आप अंदर में देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो कि अक्सर टाटा स्टोर्म वगैरह में सफारी वगैरह में यूज़ होता था, यहाँ पे मिल जाते हैं AC वेंट्स, साथ ही में यहाँ पे ग्रैब हैंडल जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ से डैशबोर्ड, ये रहा इसका सनरूफ प्लस मूनरूफ दोनों ही रही, ये रहा इसकी रीडिंग लैम्प जो कि LED है, यहाँ पे मिल जाता है ग्रैब हैंडल्स, साथ ही में यहाँ पे हमें ट्विटर के साथ साथ में बेस ऊफर भी मिल जाता है, यहाँ पे हमें पॉकेट्स मिल जाते हैं, साथ ही में बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे विंडो अप एंड डाउन का स्विच दिया गया है, बहुत अच्छा। यहाँ पे आराम से 5 सीटर परफेक्ट तरीके से बनी हुई है। अब जैसे ही अपन लेगरूम की बात करें तो काफ़ी यार कम से कम फिर भी 7-8 इंच का लेगरूम मिल जाता है, 4-5 इंच के अप्रॉक्स हमें यहाँ पे हेडरूम देखने को मिल जाता है। देखिए ये रहा इसका, आप जैसे ही डोर खोलेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप मिल जाएगा जो कि हाईवे में अक्सर काम आता है, पीछे वाले लोग को इंडिकेटर मिल जाता है नाइट के समय में कि कोई दरवाज़ा खुला या कुछ करके। चलिए ये तो बात हुई टाटा हैरियर के आउटर प्लस इंटीरियर की, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। हैरियर की प्राइस की बात करें तो 14.5 लाख से लेकर 22-22.5 लाख के आसपास में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी रेटिंग, तो 5 स्टार तो ऑटोमेटिक होगी, इसका अभी तक हुआ नहीं है क्रैश टेस्ट, बट फिर भी जब टाटा की इतनी गाड़ियाँ इतना अच्छा खासा रिस्पांस करी सेफ्टी के मामले तो ऑब्वियसली टाटा हैरियर भी 5 स्टार के आसपास में होगी। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहने वाला है टाटा हैरियर का ओनरशिप रिव्यू। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।